तो ये है केशव भाई का पान भंडार। तो चलिए चलते हैं। और केशव देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ अंकल जी का फोटो भी है, 60 साल पुराना। अच्छा ये जो गाना है खाई के पान बनारस वाला ये। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी हम लंका में और बनारस के लंका में दोस्तों, वो वाला लंका मत सोचिएगा दोस्तों, लंका इसलिए आए केशव अंकल का यहाँ पे जो है ना पान बहुत ज्यादा फेमस है। जितने भी सेलिब्रिटी बनारस यदि आते हैं तो यहाँ पे आके जरूर पान खाते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी वो भी यहाँ पे आके पान खा चुके हैं। चलिए आप सभी को दिखाते हैं केशव भाई का जो है पान भंडार। हमारे पीछे देख पाएंगे दोस्तों, ये है केशव भाई का पान भंडार। तो चलिए चलते हैं और केशव भाई से भी जानेंगे इस पान भंडार में कौन कौन से सेलिब्रिटी आए हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस आ चुके हैं केशव भाई के दुकान पे, और ये है केशव भाई का जो है केशव अंकल जी का दुकान पान का, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आ चुके हैं पान खाने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी आ चुके हैं। देखिए ये है भाई का पान का शॉप, देख लो भाई, देख लो यहाँ पान लगे हमेशा लगती रहती है, हाथ फ्री नहीं रखता अंकल लोग का, हमेशा जो पान लगाते रहते हैं। और वहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी जी के साथ अंकल जी का फोटो भी है। चलो भाई अंकल जी एक बात पूछना था, यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए पान खाने के लिए, और कौन पूछिए ना और कौन कौन आए? अमिताभ बच्चन आया है। अमिताभ बच्चन भी आए, पिताजी जब रहे 78 में। अच्छा वही गाना गा। अच्छा यहाँ पे कितना दिन से ये? 60 साल पुराना। अच्छा ये जो गाना है खाई के पान बनारस वाला ये केशव अंकल का जो है ना, मस्त पान खा के मुंह लाल कर लिया, और देखिए पान अभी तक गया, पान में अलग ही मतलब मजा है। आप लोग यदि वाराणसी आते हो तो जरूर आइए, यहाँ पे केशव भाई का पान भंडार है। आप सभी को लोकेशन फिर से एक बार शेयर कर देते हैं, रथ यात्रा कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने गली में वाराणसी, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। आप लोग यदि वाराणसी आते हैं तो जरूर आइए, और केशव अंकल का जो पान जरूर खाइए, मजा आ गया। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।